नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश का झांसी है और हम ऐसा प्राचीन मंदिर दिखाने जा रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और शायद ही आपने सुना हो और कुछ लोगों ने तो देखा भी ना होगा झांसी में रहते हुए भी। ये भगवान गणेश भगवान का मंदिर है, बहुत प्राचीन सिद्ध मंदिर है, और मेन विशेषता की बात यह है कि यहाँ पर महारानी झांसी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था, और वह विवाह 1853 में यहाँ पर हुआ था, और कल उनकी शादी की सालगिरह मनाते चले आए हैं। मंदिर के जो समिति है वो बराबर मनाते चली आई है महारानी झांसी की सालगिरह को, और 2 साल कोरोना के वजह से नहीं मना पाए। अब बड़े धूमधाम से कल शोभा यात्रा लक्ष्मी व्याया मंदिर से निकलनी है और इसी मंदिर तक उनकी शोभा यात्रा आएगी, और मार्केट संवाद पर आप दर्शन कर सकते हैं घर बैठकर। यह वही मंदिर है जहां पर महारानी झांसी की भावना परी थी और श्री गंगाधर राव के साथ 7 जन्मों के वादे हुए थे, अग्नि साक्षी के फेरे हुए थे। ये वही मंदिर है, काफ़ी भव्य मंदिर सजा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। हम महारानी झांसी के से जुड़े हुए कुछ पल, कुछ अंश, कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भाई साहब नमस्कार, अग्रिम बधाई महारानी झांसी की शादी की सालगिरह पर, तो कुछ बताना चाहेंगे? ये कार्यक्रम हम लोगों ने सन 2016 से प्रारंभ किया। सबसे पहले इसको प्रारंभ करने के लिए हम लोगों ने जो महारानी लक्ष्मीबाई के विवाह की जो पत्रिका थी, सबसे पहले उसका हम लोगों ने संशोधन किया कि जो तारीख इतिहास में बताई गई है वो तारीख पंचांगों से कितनी मैच करती है और उसमें कितनी सत्यता है। तो जो मऊरानीपुर में महारानी लक्ष्मीबाई के एक सिपहसालार हुआ करते थे जवाहर सिंह, उनके वंशजों के यहाँ वो पत्रिका प्राप्त हुई, उसको हम लोगों ने वहाँ से लेकर के काशी के पंचांगकर्ताओं से और ग्वालियर के पंचांगकर्ताओं से उसका मिलान कराया, और मिलान कराने के बाद में हम लोगों ने पहले इस बात का पूरी सत्यता की जांच की कि क्या यह तारीख, क्या यह सन या जो संवत बताया गया है ये संवत वही है। तो उस संशोधन से और पंचांगकर्ताओं की गणना से हमको एक मालूम चला कि जो सन और जो तारीख बताई गई थी 19 मई 1853 में महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह महाराज गंगाधर राव के साथ में इसी गणेश मंदिर में संपन्न हुआ था। कुछ रस्में दुर्गाबाई के बाड़ा जो पास में है, जहाँ पर मोरोपंत जी का रहना हुआ करता था, महारानी लक्ष्मीबाई के पिताजी का, कुछ रस्में वहाँ पर भी हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर वो सबको मिलान करने के बाद में मन में ये सोचा कि रानी लक्ष्मीबाई के जयंती का भी समारोह हम लोग मनाते हैं और बलिदान दिवस का भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जिस कारण से मनुबाई महारानी लक्ष्मीबाई बनी वो सबसे बड़ा कारण क्या था कि जब महाराज गंगाधर राव के साथ में उनका विवाह हुआ तब उनका नामकरण हुआ लक्ष्मीबाई और फिर वो महारानी लक्ष्मीबाई कहे। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ रस्में हुई जैसा कि बता रहे हैं, और इनकी भामर आभार जो अग्नि साक्षी फेरे यहीं पर हुए, सारी रस्म यहीं हुई, और कुछ रस्में जो सीमांत पूजन है, जो हम आप बोलते हैं कि जब वर आते हैं तो वर का जो पूजन वगैरह होता है वो यहाँ से समीप ही दुर्गाबाई का एक जो वाड़ा है वहाँ पर कुछ रस्में संपन्न हुई थी, बाकी रस्में गणेश मंदिर में संपन्न हुई थी। तो बारात कहाँ से उठी थी? बारात किले से उठी थी, किले से उठ करके और गणेश मंदिर पर संपन्न। बारात किले से आई थी, तो आज किले पर जब हम गए तो वहाँ तो मतलब उस तरीके का सजा नहीं दिखा कि जैसा किला होना चाहिए था। किला पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, और ये हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं झांसी के जनमानस के अंतकरण का कार्यक्रम है, तो प्रशासन अधिकतर कार्यक्रमों में उस तरीके से सहयोग नहीं करता क्योंकि उनकी अपनी बाध्यता है और उनकी सीमाएं हैं। तो हम उन चीज़ों में नहीं जाते हैं जहां पर हम लोगों को कहीं तकलीफ आए। ये कार्यक्रम झांसी की जनता का है, झांसी की जनता नहीं, वो बात नहीं है। जैसे कि किला से बारात उठी थी तो आज किला भी सजना था, वहाँ भी दरवाजा बंद था कि बारात कर लेने के लिए। प्रयत्न ये है कि इस कार्यक्रम को तो लक्ष्मी व्यायाम से क्यों उठा रहे बारात, वहाँ से भी उठा सकते थे। नहीं, लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर गैदरिंग करने के लिए प्रॉपर स्थान है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या मुख्य और भी कारण है वहाँ से उठाने का? कुछ
और क्या कारण है? और कोई कारण नहीं। अच्छा। कारण ये है कि जो जैसे एलबीएम के बच्चे हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं, ठीक है, और भी विद्यालयों के बच्चे नहीं, जैसे अगर किले से उठती तो और अच्छा लगता कि जैसे बारात किले से आई थी ना। मैं एक बात बताऊं, हम लोगों को ये भी देखना है कि हम सिर्फ उत्सव मनाने के चक्कर में किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। मई का महीना बहुत गर्मी का होता है और किले में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम वहाँ पर शेड लगा करके बच्चों को बिठा सके या कुछ कर सके। एलबीएम में ऐसी जगह है कि जहाँ पर एक नीचे बहुत बड़ा हॉल है, उस हॉल में काफी लोग बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं, और इस तरीके की हम लोग व्यवस्था करें कि किसी को नुकसान भी ना हो और कार्यक्रम की शोभा भी उसमें। अगर किले से अगर उठती तो और अच्छा लगता थोड़ा सा। ये आपका मानना है, अच्छी बात है, किले से उठती तो भी अच्छा रहता, लेकिन हम उन चीज़ों को में नहीं जाते हैं जहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। हम वहाँ क्यों जाएं? वहाँ हमें एएसआई से पहले उसकी परमिशन लेना पड़ेगी, प्रशासन से परमिशन लेना। हम परमिशन में ही बिदे रहेंगे तो हम कार्यक्रम ही नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो हम लोग ऐसी चीज़ों में जाना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि झांसी की जनता का हम लोगों को पूरा सहयोग है और इस वर्ष से हम लोगों ने प्रयत्न किया है कि झांसी का प्रशासन भी इसमें सम्मिलित हो। तो इस वर्ष हम लोगों ने डीएम, एसएसपी, डीआईजी, कमिश्नर साहब और सांसद विधायक तो हर वर्ष शामिल होते ही हैं, लेकिन चूंकि प्रशासनिक अधिकारियों के शामिल होने से एक अलग से बल प्राप्त होता है, तो कोशिश हम लोगों की है कि हम जब उनको भी शामिल करेंगे तो हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं कि अगले साल किला भी सज जाएगा, रानी महल भी सज जाएगा, तो शायद ये चीज़ें भी अगले साल से संपन्न हो सकेंगी। तो अभी जो हम लोगों का प्रयत्न है वो तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, साथ में प्रशासन भी जुड़े, जनप्रतिनिधि भी जुड़े, इस तरीके से हम लोग कार्य। ये वही मंदिर है जैसा कि आप देख रहे हैं, गणेश मंदिर है ये झांसी का, और यहीं पर विवाह हुआ था जैसा कि पंडित जी ने बताया भी है, और आपको दर्शन मिल गए हैं और मिलते ही देख लो सामने चैनल गेट लग गया है भगवान का। हम भाग्यशाली थे और आप सब भी भाग्यशाली हैं कि हमने भगवान गणेश के आप तक दर्शन मार्केट संवाद से भेजे हैं और आप देखते रहें, और कल बढ़िया दावत भी मिले कैसे महारानी झांसी की रानी का शादी का सालगिरह है और सारे प्रोग्राम यहीं होना है, और इसी जगह शादी हुई थी, ये वही जगह है। देश विदेश के लोग जान लें कि महारानी झांसी का विवाह कहाँ हुआ था, ये वही जगह है गणेश मंदिर, यहीं पर विवाह संपन्न हुआ था। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।